हाँ तो प्यारे चिंटू मिंटू, ये अमृतपाल सिंह गिरी आई का मुद्दा अमेरिका तक कैसे पहुंच गया? और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस, उसने बैठक भी बिठा दी। हाँ, इनविटेशन इंडिया में भी आया है, इंडिया में भी इनविटेशन आया है। तो अब चिंटुओं को देखो, तकलीफ तो होगी। चिंटू हो गया, तकलीफ तो उनको सबसे ज्यादा हो रही जो खडूर साहब में चुनाव लड़े थे। उनकी तकलीफ तो मिटा ही नहीं, मिट रही है। अलग अलग तरीके से फोटो बना रहे हैं अमृतपाल के, कुछ अमृतपाल के इंदिरा गांधी के साथ फोटो बनाए जा रहे हैं। मतलब कि इन लोगों ने अपना खेल शुरू कर दिया है। ये अमृतपाल गिरी आएगा मुद्दा अमेरिका तक कैसे पहुंचा भाई? किसी ने ध्यान दिया क्या? अमेरिका अमेरिका हो या कोई भी देश हो, तो बड़े देश हैं, अगर ये मुद्दा यूएन और नाटो में चला गया तब क्या करोगे? है कोई जवाब? क्योंकि कोई सबूत है ही नहीं। अब नकली के सबूत बनाए जाएंगे, सब कुछ नकली बनाया जाएगा। ये भी पता है सबको, सब कुछ नकली बनाया जाएगा, पता है ना? क्यों, कैसे 30 30 34 34 साल हो गए बंदी सिंह को जेल के अंदर, उनकी तरफ किसी ने ध्यान दिया क्या? उनका मुद्दा उठना चाहिए था यूएन और नाटो के अंदर, उठना चाहिए था ना यूएन और नाटो के अंदर। अब पहले तो ये बताओ चिंटू, तुम्हारी तकलीफ कैसे बढ़ेगी? अब सबसे पहली बात तो वो जो आपका क्या गोबर खारिया, गोबर खारिया तक मैसेज पहुंचाओ कि कमला हैरिस, जिसको तुम इंडियन इंडियन करते भूल रहे थे, इंडिया मूल की, इंडिया मूल की, वो अमृतपाल सिंह गिरी आई के हक में आ गई, अमृतपाल सिंह गिरी आई के हक में आ गई। अब मेरे को पता चिंटू मिंटो के पास एक काम बचता है, लग जाओ अब मीम्स बनाने लग जाओ कमला हैरिस के नाम पर, बनाओ बनाओ, तुम बड़ा मशहूर कर देते हो किसी को भी। ये बड़ी अच्छी बात है, तुम अमृतपाल को इतना मशहूर कर दिया कि अमरीका तक बात पहुंच गई उसकी, अमेरिका तक उसका वहां तक रिया आएगा। मुद्दा पहुंचा कैसे और कौन कौन उस बैठक में शामिल होगा इंडिया की तरफ से? चिंटू तो तकलीफ होगी, तुम्हारे को नाम मत सुनना, इसलिए ना थोड़ा सा सुनकर भाग जाया करो, क्योंकि तुम लास्ट तक वीडियो नहीं सुन सकते, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लास्ट तक सुन सको। जब तुम्हारा पापा 2 2.5 kg गाड़ी खा रहा है, तो 4 5 kg तो तुम भी खा ही सकते हो, खा सकते हो ना, खाया करो खाया करो। तुम्हारा पापा कभी आंध्र प्रदेश में जाकर गाली खा लेता, कभी बिहार में, उसको नौटंकी समझ में नहीं, आंध्र प्रदेश बिहार, आंध्र प्रदेश बिहार, वो दिल्ली का एड्रेस भूल गया, दिल्ली का एड्रेस भूल गया, जाना था विदेश में, वो विदेश की फ्लाइट बार बार कैंसिल हो रही है क्योंकि यहाँ पे 2 लिए दिए नहीं पड़ रहे। अब सुनो, पहले तो अमृतपाल का सुनो, फिर तुम्हारे को ना एक बड़ी अच्छी बात बताई जाएगी आज, तुम्हारे को याद रखना बहुत जरूरी है। जेल में बंद अमृतपाल सिंह के माता पिता ने जेल में बंद बेटे के लिए उठाया ये कदम, अमेरिका तक पहुंचा रिहाई का मुद्दा। पंजाब के खडूर साहिब सीट से नवनिर्वाचित सांसद अमृतपाल के माता पिता ने बताया कि अमृतपाल सिंह को रिहा ना करने का मुद्दा अमेरिका में भी उठाना शुरू हो गया है। उन्होंने अमृतपाल की रिहाई के लिए 5 जून को अमेरिका के उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा था, 5 जून को। अब कमला हैरिस की ओर से इस बाबत बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, कमला हैरिस ने दिया है, ये तुम्हारे को सोचना चाहिए, कमला हैरिस ने निमंत्रण भेज दिया है। अमृतपाल की रिहाई के लिए अटॉर्नी लॉ को बुलाया गया। अब इंडिया से कौन जाएगा, यह सबसे बढ़िया, सबसे हैरानी की बात है, यह है कि न्यूज के अंदर, जो अभी तक न्यूज के अंदर अमृतपाल का जो नाम लिखा जाता, खालिस्तानी अमृतपाल, ये लिखा जाता खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल, अब तुम अमृतपाल तो लिखने लगे, मतलब ये प्रेशर है, प्रेशर ऐसे दबाया जाता, प्रेशर जो बटन होता ना वो ऐसे दबाया जाता जैसे इनके ऊपर प्रेशर आ गया, खालिस्तानी अमृतपाल, खालिस्त, एक और है तुम्हारी वो बड़ बोली, जिसके कारण हरियाणा पंजाब में जितना जो हो रहा है ना उसके जिम्मेवार, वो क्या उसका कैंसिल की जाएगी उसकी सांसदी, वो इतनी झूठ बोल रही है, उसे पूछो 2014 में आजादी कैसे मिली थी, पूछा किसी ने अभी तक? पतल चाट कहीं के, एक वो है जो गालियां दे रहा है अपने उसमें शो में बुला, इनके शो में जाते क्यों भाई तुम टीवी वालों को, जब ये गालियां दे रहे हैं तो इनके शो में जाते क्यों हो? ये तो खुद आएंगे, काम ऐसे करो ना, नहीं तो इनकी जरूरत है क्या? सोशल मीडिया पे अपनी टीम मजबूत बनाओ, इनकी जरूरत ही ना पड़े, जरूरत ना पड़े, अपनी सोशल मीडिया की रेंज इतनी बढ़ाओ, रेंज बढ़ाओ इतनी, लेकिन लोग लगे हुए हैं कहीं ना, बस कहीं पे जी करो, सिखों का जी करो, उसी वीडियो को देखने लग जाते हैं, भले ही चाहे कुछ भी कहा गया हो उसी को आकाश में चढ़ा देते हो, फिर वो जब मिलता है ना पाताल लोक में भी ढूंढे से नहीं मिलता, बहुत से ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया के ऊपर, आपको उनका भी बताया जाएगा आज। खडूर साहिब लोकसभा हल्के से जीतने के बावजूद अमृतपाल सिंह को रिहा न करने का मुद्दा अमेरिका में भी उठना शुरू हो गया है। इसकी जानकारी अमृतपाल के माता पिता, माता बलविंदर कौर और पिता तरसेम सिंह व बीवी परमजीत कौर खालड़ा तथा चाचा सुखचैन ने दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका गुरुद्वारा साहिब की कमेटियों ने मामले को अमेरिकी सरकार के सामने उठाने की जिम्मेदारी जसप्रीत सिंह अटॉर्नी एंड लॉ को सौंपी। उसके सौंपने के बाद वहां से जब आता है, उन्होंने अमृतपाल की रिहाई के लिए 5 जून के अमेरिका में उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा था। इस संबंध में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने विशेष सलाहकार, कमला हैरिस के जो विशेष सलाहकार हैं सिद्धार्थ अय्यर, सिद्धार्थ अय्यर नाम है, इसको भी इंडियन बना दो, लेकिन ये देखो काम क्या कर रहे हैं, तुम बड़ी जल्दी है ना खुश हो जाते हो विदेश में, ओ ये इंडिया मूल का है,
याद आया ऋषि सुनक, आएगा याद। सिद्धार्थ अय्यर की ओर से जसप्रीत सिंह को मंगलवार 3:30 उपराष्ट्रपति के साथ बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। कल ही निमंत्रण मिला है भाई। खडूर साहिब सीट से जीता चुनाव। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने पंजाब की खडूर साहिब सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीता। उन्होंने भाजपा के मनजीत सिंह और आपके लालजीत सिंह भुल्लर तथा कांग्रेस के कुलबीर जीरा को शिकस्त दी। पलटो आगा नाम क्यों नहीं आया भाई, जमानत जब्त होगी तो क्या हो गया? पलटो अभी इलेक्शन लड़ रहा था। एक और था जो अपने आप को बड़ा भगत सिंह फलाने सिंह बोलता था, द्वाबी स्वाबी क्या था रे वो, 293 वोट आई उसकी, खूब वोट ले गया भाई, शाबाशी। अमृतपाल सिंह को खडूर साहिब सीट से 4,04,430 वोट मिले। ये 4 का आंकड़ा ऐसा है, कहीं 4 जुलाई को बाहर ना आ जाए फिर, और 4 नहीं 24 जुलाई को आएगा, ये भी बता देते हैं। 24 जुलाई को तो आएगा ही आएगा, हो सकता है 4 जुलाई को भी आ जाए अगर अमेरिका बोलेगा तो। अमृतपाल सिंह को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। तकरीबन 1 महीने फरार रहने के बाद अमृतपाल सिंह ने पंजाब के मोगा में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस ने उसके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। और सबूत पूछते हैं, अभी तक सबूत कुछ भी नहीं है, सबूत कोई भी नहीं है। अब आते हैं असली बात के ऊपर, बात क्या है, ये मामला क्यों उठ रहा है? क्योंकि बोलते ना 60 दिन तक शपथ लेना जरूरी होता है, 60 दिन के अंदर अंदर, अरे ये लोग चाहते हैं कि वो 60 दिन तक वही रहे। वैसे तो 24 जुलाई को उसकी है रिहाई है 24 जुलाई को, लेकिन ये लंबा बढ़ाना चाहते हैं। आपको पता है बंदी सिंह के साथ क्या कर रखा है, सजा की भी डबल सजाएं होगी, हर एक मामले में बरी होते आ रहे हैं, क्या उन दिनों को कोई लौटा सकता है जो जेल के अंदर कटते हैं? सोचने वाली बात है। यहाँ पे ना पंजाब को अपनी एकता बनानी पड़ेगी। ये गंजे पंजे टकले पकले जितने भी घूम रहे हैं ना पंजाब के अंदर, पहले इनको बुलाओ आराम से, अकाल तख्त साहब के ऊपर बुलाओ, भाई तू है क्या चीज पहले तो ये बता। कोई सौदा ना सादा ना, ये बिना बात की बकवास करते रहते हैं पंजाब के अंदर बैठ के। फिर जब इनका सौदा लग जाता है, ये प्याऊ प्याऊ करते रहते हैं छोटे छोटे पपियों की तरह। फिर ये चिंटू मिंटू ना जितने भी, इन चिंटू मिंटू का कर लो पहले तो सफाया, वहां से सफाया करो, उनका चलो बैग अपना जोड़ा उठाओ और चलते हो ले चलो अपने पापा के पास। अब तो तुम्हारे पापा आ भी गया, चाहे पावर में 10 दिन रहे तो गा ना, चाहे 50 दिन रहे 100 दिन रहे, हम तो ये चाहते कि परमानेंट रहे, जब तक मतलब 150 साल के नहीं हो जाते मोदी साहब, हम तो चाहते तब तक प्रधानमंत्री रहे, 150 साल तक प्रधानमंत्री रहना चाहिए मोदी साहब, तभी तो आंखें होंगी हरियाणा और पंजाब की, तभी तो संयुक्त पंजाब की नींव रखी जाएगी। संयुक्त पंजाब की नींव ही तब रखी जाएगी जब 150 साल तक प्रधानमंत्री रहेंगे अपने मोदी साहब। हम तो चाह रहे हैं भाई, आप लोग क्या चाह रहे हो हमारे को नहीं पता। और फिर ये सोशल मीडिया पर 4 दिन गुरुओं के लिए अच्छा बोल देते हैं, बस सिख उधर उस तरफ जुड़ जाते हैं, और जब जुड़ जाते हैं बाद में जो सिखो गाली देता है, फिर वो वीडियो मेरे पास भेजते हो। मेरे भाई मैं आप लोगों को पहले आगाह करता हूँ, ये सोशल मीडिया जितने लगे हो ना सिखों की तारीफ कर रहे हैं, कितने आए पंजाब के अंदर कितने गए सब के बारे में आपको बताया था और आगे भी बताते रहेंगे। अभी 1-2 नाम और है, जानबूझ कर नहीं लेना चाह रहे, पर्सनल बता दें किसी भाई को पूछना हो तो, वो भी अपना एजेंडा सेट कर रहा है और सिख जानबूझ के उसकी तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहा है भाई। क्योंकि लोगों को टारगेट दिया जाता है, तेरे को खाली मोदी का विरोध करना है, तेरे को खाली राहुल गांधी का विरोध करना है, बाद में अपना एजेंडा सेट करना है। ये है सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर एजेंडे सेट किए जाते हैं। ये ऊपर हमने बहुत देखे हैं, बहुत ज्यादा देखे हैं ऊपर, कहीं सोच रहे हो आप, इन ऑफरों को हम खूब देखते हैं। इस बारे में आप लोगों को क्या राय है भाई? कमला हैरिस की बैठक है, बैठक हो जाएगी वो, फिर जब लेटर लिखेगी प्रधानमंत्री साहब को, क्या रिहा नहीं होगा, क्या अमृतपाल रिहा होगा? सबूत कोई है नहीं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ना स्टेट गवर्नमेंट के पास। आप लोगों की राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।